बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे या खुश होंगे। तो आज हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम, मजनू का टीला, इसको बोलते हैं मिनी तिब्बत। ये दिल्ली का मिनी तिब्बत है, यहाँ पर टोटली तिब्बती मार्केट होती है, उस टाइप का आपको फूड मिलेगा। तो क्या क्या है, मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं वहाँ की आज की कैसा वहाँ के कैफे होते हैं और क्या क्या वहाँ पर चीजें जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज तिब्बती मार्केट यानी मजनू का टीला। तो गाइस हम आ गए थे मजनू का टीला और ये थी यहाँ की फर्स्ट एंट्री। अगर आप सिग्नेचर ब्रिज की साइड से आ रहे हो तो आपको ये वाली एंट्री देखने को मिलेगी जो अभी नई बनी है और बहुत ही सुंदर लगती है। और अगर आप गुरुद्वारे की साइड से आ रहे हो तो आप गेट नंबर 2 से एंट्री लोगे। हमने गाड़ी पार्क की थी अपनी आगे गुरुद्वारे की तरफ, तो हमने एंट्री ली थी सीधा गेट नंबर 2 से और हम आ गए थे सीधा मेन मार्केट मॉनेस्ट्री में। मजनू का टीला दिल्ली में एक तिब्बतन कॉलोनी है जो न्यू अरुणा नगर के नाम से भी जानी जाती है। यह जगह जितनी सुंदर और खूबसूरत है उतना ही इस जगह का रिलीजियस महत्व है। यह जगह गुरु नानक देव जी के टाइम से जुड़ी हुई है। इन 1949 व्हेन चाइना इन्वेडेड इन तिब्बत, तब बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजी इंडिया आए थे और वह यहाँ पर अलग अलग जगहों पर आकर बस गए थे। फिर बाद में गवर्नमेंट ने इस जगह को तिब्बतन कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत मार्केट मिलेगी और तरह तरह के कैफे मिलेंगे। तो आज हम जा रहे थे नोवंग कैफे में, इसके बारे में हमने बहुत सुना था तो सोचा आज इसी में ही चलते हैं और देखते हैं कि ये कैफे कैसा है। तो नोवंग कैफ़े में लिफ्ट थी वो ख़राब हो चुकी है और हमें स्टेयर से ही ऊपर जाना था। यहाँ पर आके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ग्रीस पहुँच गए, बिल्कुल यहाँ की थीम उसी की तरह थी। लेकिन यहाँ रश इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था, बैठने की तो जगह बहुत दूर की बात है, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो हम यहाँ पर सोचा कहाँ ही बैठेंगे, तो चलो चलते हैं यहाँ से दूसरे कैफ़े में जो यहाँ का दूसरा फेमस कैफ़े है। तो हम यहाँ से सीधा जाने वाले थे वहाँ पर। जब तक मैंने सोचा आप लोगों को इसकी एक झलक दिखा देती हूँ अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। खूबसूरत तो ये बहुत है लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और कोई इतना बड़ा भी नहीं लगा मुझे जितना मुझे दिखता है ये वीडियो वगैरह में। अदरवाइज थीम इसकी काफ़ी अच्छी थी और सुंदर ये काफ़ी था। तो यहाँ से जा रहे थे हम सीधा बाहर। तो हम आ गए थे कैफे से बाहर और बच्चों को लग गई थी भूख, तो हमने ट्राई किए यहाँ के स्पिरल पटैटो जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं यहाँ का स्ट्रीट फूड। तो हमने सोचा चलो जब तक हम कैफे नहीं जाते थोड़ा बहुत बाहर ही कुछ ट्राई कर लेते हैं, खा लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ के जो वायरल फूड हैं वो कैसे हैं टेस्ट वाइज। कैसा है? यम्मी, क्या है ये? चीज स्प्रिंग रोल टेस्टी। ये ओके है? ये ओके ओके डबल और फिर हम आ गए थे यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस वाई वाई लाफिंग ट्राई करने के लिए। ये आपको ड्राई और सूपी दोनों टाइप का मिल जाता है, तो मैंने सोचा आज ये ट्राई कर लेते हैं। हालांकि मुझे इस तरह की चीज़ें कुछ खास पसंद नहीं आती, थोड़ी ऐसी गिली गिली टाइप से होती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। बट मैंने सोचा जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ का फूड तो ट्राई करना बनता ही है, इसलिए हमने लिया था यहाँ का वाई वाई लाफिंग। वाई वाई लाफिंग है, खा के बताओ कैसा है? आपको कैसा लगा? खाओ वाई वाई लाफिंग कैसा है? Thank you.
फैमिली पैक है। अच्छा तो गाइस हमने ट्राई किया यहाँ का वाई वाई लाफिंग, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। शुरू में थोड़ा अजीब लगा लेकिन बाद में इन्हें इसका टेस्ट अच्छा लगा था। उसके बाद हम आ गए थे सीधा स्काई रूफ कैफे में। इसका नाम है द रूफ स्काई कैफे और यहाँ से होती है इसकी एंट्री। फोर्थ फ्लोर पर ये होता है एंट्री, सीधा लेकर यहाँ से लेफ्ट साइड में होती है लिफ्ट और लिफ्ट से हम पहुँच जाते हैं थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर पर जाने के बाद यहाँ पर आ जाती है स्टेयर्स और यहाँ से आपको जाना होता है फोर्थ फ्लोर पर। तो यहाँ का जो एम्बियंस था बहुत अच्छा था, थीम बहुत अच्छी थी, सुंदर ये बहुत बना रखा था इन लोगों ने, बहुत प्यारा लग रहा था। इस तरह का मिरर वर्क और बाहर जो ये पांडा वगैरह बना हुआ है पूरा, बहुत ही सुंदर इनका काम हुआ था। तो हमने ले ली थी यहाँ पर एंट्री। ये शाम का टाइम था, अभी ना यहाँ पर रात हुई थी और ना ही कोई से दोपहर थी, मगर शाम के टाइम हम यहाँ पर आए थे ताकि हम दिन और रात दोनों का ही आकर एम्बियंस देख सकें कि दिन में कितना अच्छा लगता है और रात में कितना अच्छा लगता है। एंट्री लेते हैं, आपको सामने दिखाई देंगे इस तरह के डेजर्ट। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, जैसे इसके बारे में सुना था, बिल्कुल सिग्नेचर ब्रिज के सामने है। पूरा सिग्नेचर ब्रिज यहाँ से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है हम कहीं और ही आ गए हैं, ये इंडिया में नहीं, हम कहीं बाहर ही आ गए हैं, बिल्कुल यहाँ पर आके ऐसा लगता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने स्टेज भी बनाई हुई है, ये डांस करने के लिए है, यहाँ पे आप डांस कर सकते हो, फोटोज ले सकते हो, रात में ये और सुंदर लगता है। और अब हम आ गए थे सीधा टॉप पर और यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दिन का टाइम था, दिन में भी ये इतना अच्छा लग रहा था, सिग्नेचर ब्रिज यहाँ से पूरा दिख रहा था, यहाँ का जो व्यू है बहुत ही कमाल का था। ठंड है तो इस वजह से इन्होंने कंबल प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे रात में हम यहाँ बैठे हो ठंड लगे तो हमारे पास ये कंबल्स ये ब्लैंकेट्स होते हैं यहाँ पर अपने आप को कवर्ड करने के लिए। देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा, बिल्कुल अलग ही फीलिंग आ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर आपको यहाँ पर आना होगा, आप एक बजट बना के यहाँ पर आ सकते हो और अपने हिसाब से यहाँ का मेन्यू डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या लेना है क्या नहीं। मैं आपको पूरा मेन्यू दिखाऊंगी इसमें कि आपको क्या क्या आपके बजट के हिसाब से हो सकता है। तो ये था पूरा टॉप फ्लोर ऊपर का जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये था इनका अंदर का सेटिंग एरिया कि अगर किसी को बाहर नहीं बैठना और अंदर बैठना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह के बनाए हुए थे, एक छोटे छोटे से हेक्सागन टाइप बनाए हुए थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर बैठो, यहाँ पे आप डिनर करो, लंच करो, स्नैक्स लो, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ का भी एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत था। तो ये मुझे कैफ़े बहुत अच्छा लगा, ये ऐसे ही फेमस नहीं है, वाकई ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। तो ये था इसका मेन्यू, आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो पूरे ये मेन्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली इतना सोचना डिसाइड करने के बाद हमने अपने लिए मंगाए थे यहाँ पर चॉकलेट शेक और ओरियो शेक। ये बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में, बहुत सुंदर लग रहे थे, तो हम ट्राई करने वाले थे यहाँ का चॉकलेट और ओरियो शेक। नेक्स्ट हम लोगों ने ऑर्डर किया था यहाँ पर 3 चीज़ पिज़्ज़ा, जो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको, बताते हैं कि ये खाने में भी उतना अच्छा है जितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं 3 चीज़ पिज़्ज़ा।
तो नेक्स्ट हमने अपने लिए ऑर्डर की थी यहाँ पर एग चाउमीन। इनकी एग चाउमीन दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी गाइस। यहाँ पर नॉनवेज और वेज दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं, आप जो चाहें वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। बट हमने यहाँ पे नॉनवेज नहीं लिया था, ओनली वेज लिया था। तो हमने यहाँ पे लिया था वेज एग चाउमीन और देखते हैं कि ये वेज एग चाउमीन खाने में कैसी है। कैसा लगा? ठीक लग रहा है खाने में। तीन तरह की चीज बताई गई बट ऐसा लग नहीं रहा तीन तरह। ओके ओके है, ओके ओके, इतना कोई खास नहीं है। बच्चों की वजह से ये प्लेन पिज्जा है ना। तो वो आपको कैसा लगा? अच्छा, अच्छा लगा। इधर अच्छा लगेगा। चीज तो नाम को भी नहीं है इसके अंदर। चीज नहीं है, थ्री चीज पिज्जा है ये। कौन सी चाउमीन है? एग एग चाउमीन। चलो खा के बताओ। ओके ओके, स्पाइसी नहीं है, ठीक है बस। मैंने भी ट्राई की यहाँ की एग चाउमीन और मुझे ये टेस्ट वाइज अच्छी लगी। इन्हें थोड़ा तीखा पसंद है इसलिए इन्हें उतनी खास नहीं लगी, लेकिन मुझे चाउमीन अच्छी लगी थी। कम से कम पिज्जे से तो काफ़ी अच्छी थी, पिज्ज़ा इनका मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया था। तो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं इनका ओरियो शेक। अच्छा, ओरियो है या चॉकलेट है? ये चॉकलेट, चॉकलेट, ये ओरियो है और ये चॉकलेट, चॉकलेट। तो अब हो चली थी रात, जिसका मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंतजार था कि रात का व्यू मुझे यहाँ का देखना था कैसा लगता है। और यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत नजारा था, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू था। अगर आप 1500-1600 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि खाने के साथ साथ आपको इतना अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा कि बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आप अपनी कंट्री में नहीं कहीं बाहरी कंट्री में हो। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नजारा था, रात की लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी थी, लोग सेल्फियां ले रहे थे यहाँ पर, कितने अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। तो यूं ही इसको नंबर वन कैफे नहीं कहा जाता, ये वाकई बहुत खूबसूरत कैफे है। और इसका जो एम्बियंस है रात का वो बिल्कुल अलग ही होता है, बहुत खूबसूरत लगता है रात में। इसका जो लुक होता है आपको इतना ही पसंद आएगा। तो ऐसा नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम वहाँ पे ये सोचिए कि इतना खर्च हो गया यार और अच्छा नहीं लगा। यहाँ खर्च तो होता है लेकिन खर्च होने के साथ साथ आपको कुछ नया एक्सपीरियंस भी मिलता है देखने को। तो ये था मजनू का टीला और यहाँ पे है ये रूफ स्काई कैफे, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा इसका एम्बियंस है। तो गाइज़ ये कैफ़े कपल और फैमिली दोनों के ही लिए बहुत अच्छा है और एंट्री यहाँ की बिल्कुल फ्री है, एंट्री का यहाँ पे कोई कॉस्ट ऑफ चार्जेस नहीं है। तो ये यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी लगी मुझे, सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ की नीट एंड क्लीन ये कैफ़े है, साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, स्टाफ यहाँ का बहुत ही अच्छा है। तो मुझे यहाँ पर आके टोटली वर्थ लगा और काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको ऐसा व्यू देखने को मिल जाए तो बात ही क्या है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। ये था यहाँ का रात का व्यू, जो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब यहाँ एंजॉय कर रहे थे बहुत ज्यादा और ये भैया थे जिन्होंने हमसे बात की, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ का। कैसा एक्सपीरियंस भैया? बहुत बढ़िया, मजा आया। क्या नाम है भैया? राहुल। अंकित।
तो इस तरह से सभी लोग यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं, जैसे ये लोग कर रहे थे। हमने भी यहाँ बहुत इंजॉय किया और यहाँ से हम सीधा निकल गए थे अब बाहर। तो रात के टाइम यहाँ का एम्बियंस बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो ये थी यहाँ की मेन एंट्री। एक और जो हमें पता नहीं थी यहाँ से भी होती है, तो हमने यहाँ से जाते वक्त एक शूट कर लिया था यहाँ से। अगर लोग यहाँ से भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ से इसकी मेन एंट्री होती है, हमने बैक साइड से इसकी एंट्री ली थी। तो ये था मेन फ्रंट साइड जहाँ से इसकी एंट्री होती है। तो गाइस ये था आज का पूरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी तरह से खुश रहिए, बढ़िया रहिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। और प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए इस बारे में। तो ये था आज का पूरा व्लॉग। और देखिए रात का नज़ारा यहाँ कितना खूबसूरत होता है और गलियाँ भी बिल्कुल ऐसे लग रही हैं यहाँ की जैसे कहीं हम बाहर कंट्री में घूम रहे हों। तो बहुत खूबसूरत यहाँ का व्यू था, मुझे तो यहाँ का बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग मजनू का टीला जाने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगी। आप इसको देखिए और देख के यहाँ से डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ पर आके क्या क्या करना है और क्या क्या देखना है और क्या क्या खाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आगे की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।